Hi guys, welcome back to my channel once again in Secret Logic. और sorry for guys, voice slow की थोड़ी problem आ रही है क्योंकि मेरी voice already थोड़ी slow है, but थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से, ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है, due to health issues जो है voice बहुत तेज नहीं निकल पा रही है. I'm trying my hard कि मैं अच्छे से वॉइस ओवर दे करके ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आज की वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन नहीं चलती है जिसकी वजह से, और जो आपकी वॉइस है ना वो स्टक हो जाती है अंदर तक. सो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ड्राई स्किन वाले अपने स्किन को नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, उन्हें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आज का ये वीडियो है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. तो गाइस, जो ड्राई स्किन वाले होते हैं ना, उनको अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ड्राई स्किन पर रिंकल सबसे पहले आते हैं. तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत मस्ट है. सनस्क्रीन तो सभी को यूज़ करना चाहिए, किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए, बट ड्राई स्किन वालों को सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट. अगर आप धूप में जाते हैं विदाउट सनस्क्रीन तो आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं और आपको हो सकते हैं रिंकल्स. ड्राई स्किन पर रिंकल सबसे पहले आते हैं, ये फैक्ट है. ड्राई स्किन वालों को थोड़ा ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों से ज़्यादा अपने स्किन का ख्याल रखना होता है. कैसे कि उन्हें अपने स्किन को ना बराबर नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, बराबर से उनको मॉइस्चराइजिंग करनी होती है ताकि उनका जो स्किन टेक्सचर है वो हेल्दी रहे. सो गाइज, स्किन टेक्सचर को उनको हेल्दी बनाने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो चलिए मैं बताती हूँ. उनको प्रॉपर मॉइस्चराइजर अपने स्किन की करनी चाहिए, क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. तो क्लिंजर के लिए वो ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जिसमें कि मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट हो, जो आपके स्किन को ड्राई होने से बचाए और ऑल ओवर योर डे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना, हम वर्किंग हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं भी, तो बार बार हम फेस वॉश या मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करेंगे ना अपने फेस पर. तो अगर ऐसा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश रहे जो कि ऑल टाइम कहने का मतलब है कि 6 से 7 घंटे हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाए, ऐसा ही एक फेस वॉश है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ रिव्यू. तो दिस इज़ द हिमालय का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश विथ नेचुरल विटामिन ई है इसमें, और ये आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है क्योंकि एलोवेरा बहुत अच्छा एलिमेंट है आपके स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए. तो आप हिमालय का ये वाला फेस वॉश ज़रूर ट्राई करिए इफ़ यू हैव अ डीप ड्राई स्किन. बहुत ज़्यादा अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़रूर इसको यूज़ करिए. इसके साथ ही साथ आप एक अच्छा बॉडी लोशन, हिमालय के मैंने रिव्यू अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, आप ज़रूर चेक करिएगा. हिमालय के प्रोडक्ट्स आई कैन से कि ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए अलग अलग है, तो आप ये प्रोडक्ट देख करके ही मार्केट में परचेस किया करिए. लाइक इसमें लिखा हुआ है प्रिवेंट्स ड्राइंग, यानी कि ड्राई होने से बचाता है. तो जिस भी यू नो मोस्टली आप ये देखिए जिसमें एलोवेरा की गुडनेस ज़्यादा हो या उस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, या फिर जिसमें विटामिन ई ऑयल हो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो आपको अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करनी है, यानी कि सीटीएम रूटीन फॉलो करनी है, क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. क्योंकि क्लिंजर आपके फेस को क्लीन करता है, आपके पोर्स में से जो भी गंदगी है उसको क्लीन कर लेता है. टोनर आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है, आपको यूथफुल बनाए रखता है. और मॉइस्चराइजिंग जो है आपकी स्किन को लंबे समय तक यूथफुल बनाए रखने के लिए, ताकि आपके फेस पर रिंकल्स ना, यू नो स्ट्रेच मार्क्स हमें कब होता है या रिंकल्स कब होते हैं, जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम उसका प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो अपने आप वहाँ पर रिंकल्स हो जाते हैं. लेकिन अगर हम अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करें, उसको मॉइस्चराइज रखें, तो वहाँ रिंकल्स या स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे. स्ट्रेच मार्क्स होने का भी यही रीज़न होता है, मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही थी. तो बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चराइजिंग करना. तो अगर आप मॉर्निंग में अपना मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करती हैं, यू हैव टू फेस वॉश योर फेस एंड देन आफ्टर यूज़ अ हर्बल रोज़ वाटर एज अ टोनर. बहुत अच्छा ऑप्शन है टोनर के लिए रोज़ वाटर. उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें. तो ड्राई स्किन वालों की एक अच्छे मॉइस्चराइजर की मैं बात करूँ तो जॉवीज का मॉइस्चराइजर वन ऑफ द बेस्ट है, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, ज़रूर चेक करिएगा. इसके अलावा लैक्मी पीच मिल्क बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपके स्किन को ड्राई होने से बचाता है काफ़ी हद तक. और इसके अलावा मुझे ओले का मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये लंबे ड्यूरेशन तक आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है. इसके साथ ही साथ मैंने खादी का ये आलमंड एंड सैफरन मॉइस्चराइजर का भी रिव्यू शेयर किया हुआ है, ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. फॉर दिस रीज़न तो ये देखिए इसमें आलमंड है. तो ड्राई स्किन वाले जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करें तो उसमें आलमंड और एलोवेरा, ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेक कर लिया करिए. तो इसमें क्या है कि आपकी ड्राई स्किन वाली गुडनेस मिल जाती है
और अगर आप सीरम यूज़ करना चाहती हैं तो आप जॉवीज़ का सीरम ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल की गुडनेस है। इसके साथ ही साथ आपने सीटीएम रूटीन फॉलो की, रात में आप अपने स्किन को नरिशमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें। ड्राई स्किन वालों के लिए नाइट क्रीम लगाना बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ स्किन मसाज करनी भी बहुत ज़रूरी है। यू नो, ऑयल आपके लिए बहुत, समझ लीजिए कि ब्लेसिंग से कम नहीं है, तो आप आलमंड ऑयल से डेली अपने नाइट में स्किन जो है स्किन को मसाज दें। स्किन को मसाज करने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है स्किन पे, स्किन पे एक हेल्दी ग्लो आती है और आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी मिलता है। बट दिस टाइम समर चल रहा है, इतना पॉसिबल नहीं है कि हम यू नो ऑयल लगा के, बहुत अजीब लगता है। तो मैंने अपने चैनल पर भी कल ही शेयर किया था, कल परसों में, कुछ दिन पहले ही, कि ग्लास टाइप स्किन पाने के लिए, यानी कि हेल्दी शाइनी स्किन पाने के लिए व्हाट रूटीन यू हैव टू फॉलो। तो उसी तरीके से आप अपनी नाइट क्रीम, कोई भी एक अच्छी नाइट क्रीम, नरिशमेंट क्रीम जो आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, जो आप यूज़ करते हो। मैंने आपको कहा कि हिमालय की रेंज में बहुत बजट फ्रेंडली है, तो अगर आप टीनेजर्स भी हैं तो भी आप हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक हर्बल होता है, रिजनेबल होता है, अफोर्डेबल होता है। तो आप हिमालय की नाइट क्रीम यूज़ कर सकती हैं और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके अच्छे से स्किन को मसाज दें 5 से 7 मिनट, और स्किन को हमेशा अपवर्ड मोशन की ओर मसाज करें, डाउनवर्ड की ओर नहीं, क्योंकि इससे रिंकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नाइट क्रीम में एलोवेरा जेल लगा करके प्रॉपर लेयरिंग कर करके फिर आप सोने जाएं, और इसको रात भर ऐसे ही रहने दें, आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी, ग्लोई, शाइनी हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी स्किन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, आप नोटिस करेंगे। और अगर आप यू नो नाइट क्रीम पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, नरिशिंग क्रीम पे, तो अब बात करूँ मैं गाइज मेकअप की, तो मेकअप में इन्हें सबसे पहले ड्राई स्किन वालों को जो है प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग करने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो स्किन बहुत केकी लगता है, बहुत यू नो ड्राई ड्राई सा फील होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी लिप्स को तो मॉइस्चराइज करना ही चाहिए, साथ साथ सबसे पहले आप अपने स्किन पे टोनर अप्लाई करें, उसके बाद सीरम अप्लाई करें। सीरम एज अ सीरम आप जो है एलोवेरा जेल को भी अप्लाई कर सकती हैं, और इसके बाद प्राइमर अप्लाई करें किसी अच्छी कंपनी का। कलर बार का प्राइमर वन ऑफ द आई थिंक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको एज अ ऑप्शन दे दे रही हूँ। और इसके बाद प्राइमर लगाने के बाद आप सॉरी मॉइस्चराइजर लगाएं पहले, उसके बाद प्राइमर लगाएं, और प्राइमर मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। ओके, सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर आप प्राइमर लगाएं, और प्राइमर लगाने के बाद अपना फाउंडेशन लगाएं। तो फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो मेबलिन का फाउंडेशन जो है वो ऑल स्किन टाइप सुटेबल है, तो आप मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जॉवीज़ का भी फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं, बट ये फुल कवरेज नहीं देता है, डे लुक के हिसाब से सही है। तो फिर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना, और उसके बाद आप जो कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो वो भी SPF वाला यूज़ करें तो ज़्यादा सुटेबल और अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट होने से, क्योंकि आपके पाउडर में या कॉम्पैक्ट में मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट तो नहीं होते हैं, तो इसलिए आपकी मतलब वो SPF वाला रहेगा तो आपकी स्किन को सन से डैमेज होने से बचाएगा काफ़ी हद तक। तो आप यू नो अगर बाहर भी हैं तो आप उससे प्रॉपरली बीच बीच में टचअप दे करके अपने स्किन को मॉइस्चराइज मतलब अपने स्किन को सन डैमेज से बचा सकती हैं। तो गाइज ये था मेरा ऑल अबाउट स्किन केयर रूटीन, हाउ टू फॉलो अ स्किन केयर रूटीन फॉर ड्राई स्किन। और आप क्लिंजर जो है आप ज़रूर यूज़ किया करिए, अगर आप शाम को आती हैं आफ्टर मेकअप रिमूव करने के लिए, तो हिमालय का क्लिंजर जो है ये भी बहुत मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट है, इसमें बहुत सॉफ्ट टची है, तो आप अच्छे से स्किन को इससे मसाज करने के बाद फिर कॉटन से अच्छे से रिमूव कर लें अपना मेकअप। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।